रिंग देखते समय नो वन किल्ड जेसिका और दामिनी याद आती है। इन फिल्मों में महिलाओं के साथ हुए अन्याय के खिलाफ न्याय की बातें की गई थी। पिंक भी यही बात करती है, लेकिन अलग अंदाज में। इस फिल्म में स्त्री और पुरुष के लिए दोहरे मापदंड पर आधारित प्रश्न ड्राइविंग सीट पर हैं और कहानी बैक सीट पर। मीनल, फलक और एंड्रिया अपने पैरों पर खड़ी लड़कियां हैं जो दिल्ली में साथ रहती हैं। एक रात वे रॉक शो के लिए जाती हैं, जहां राजवीर और उसके साथियों से मुलाकात होती है। मीनल और उसकी सहेलियों का बिंदास अंदाज देखकर वे सोचते हैं कि इन लड़कियों के साथ कुछ भी किया जा सकता है। राजवीर हद पार कर मीनल को छूने लगता है। मीनल अपने बचाव में उसके सिर पर बोतल मारकर उसे घायल कर देती है। राजवीर एक ऐसे परिवार से है जिसकी राजनीति में गहरी दखल है। मीनल से बदला लेने के लिए राजवीर और उसके दोस्त पुलिस में शिकायत दर्ज करा देते हैं कि मीनल ने उन पर जानलेवा हमला किया है, साथ ही वह कॉल गर्ल है। लड़कियों को मुसीबत में देख दीपक सहगल उनकी ओर से केस लड़ने का फैसला करता है। पिंक की स्क्रिप्ट बेहद सॉलिड है और आपको सोचने पर मजबूर करती है। स्क्रिप्ट में उन प्रश्नों को उठाया गया है जिनके आधार पर लड़कियों के चरित्र के बारे में बात की जाती है। लड़कियों के चरित्र घड़ी की सुइयों के आधार पर तय किए जाते हैं। कोई लड़की किसी से हंस बोल ली, या किसी लड़के के साथ कमरे में चली गई, या फिर उसने शराब पी ली, तो लड़का यह मान लेता है कि लड़की चालू है, उसे सेक्स के लिए आमंत्रित कर रही है। यह फिल्म उन लोगों के मुंह पर भी तमाचा जड़ती है जो लड़कियों के जीन्स या स्कर्ट पहनने पर सवाल उठाते हैं। ये उन लोगों के दिमाग के जाले साफ कर देती है जिनकी सोच रूढ़िवादी है और जो लड़कियों के आर्थिक स्वतंत्रता के हिमायती नहीं है। कुछ सीन इस तरह लिखे गए हैं कि आप सीट पर बैठे बैठे कस मसाने लगते हैं। कई बातें कचोटती है। पिंक में ये सारी बातें बिना किसी शोर शराबे के उठाई गई है। ये विचार थोपे हुए नहीं लगते क्योंकि वो फिल्म की कहानी से जुड़े हुए हैं। फिल्म का निर्देशन अनिरुद्ध राय चौधरी ने किया है। अनिरुद्ध की प्रस्तुति में खास बात यह रही कि उन्होंने उस एक्सीडेंट को दिखाया ही नहीं जिसके कारण मामला अदालत तक पहुंचा। उस घटना का जैसा वर्णन अदालत को बताया जाता है वैसा ही दर्शकों को पता चलता है। इस कारण दर्शक की अपनी कल्पना के कारण फिल्म में दिलचस्पी बढ़ती है। अनिरुद्ध अपनी बात कहने में सफल रहे हैं जिसके लिए उन्होंने फिल्म बनाई है। यह फिल्म केवल महिलाओं या लड़कियों के लिए नहीं है बल्कि पुरुषों के लिए भी है। मीनल के किरदार के जरिए अनिरुद्ध ने दिखाया है कि महिलाओं को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अनिरुद्ध ने कई बातें दर्शकों की समझ पर भी छोड़ी है। दो कमियां लगती है। अमिताभ के किरदार के बारे में थोड़ा विस्तार से बताया गया होता तो बेहतर होता। साथ ही फिल्म को थोड़ा सरल करके बनाया जाता तो बात ज्यादा दर्शकों तक पहुँचती। कुछ दिनों बाद अमिताभ बच्चन 74 वर्ष के हो जाएंगे, लेकिन अभी भी उनके पास देने के लिए बहुत कुछ बाकी है। अमिताभ की स्टार छवि को निर्देशक ने उनके किरदार और फिल्म पर हावी नहीं होने दिया है और बच्चन ने भी अपने अभिनय में इसका पूरा ख्याल रखा है। फिल्म के 2-3 दृश्यों में तो अमिताभ ने अपने अभिनय से गजब ढा दिया है, खासतौर पर उस सीन में जब वे किसी महिला के नो के बारे में बताते हैं। तापसी पन्नू का कद पिंक के बाद बढ़ जाएगा और उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में गंभीरता से लिया जाएगा। मीनल की दबंगता और झटपटाहट को उन्होंने अच्छे से पेश किया है। फलक के रूप में कीर्ति कुल्हारी प्रभावित करती हैं। एंड्रिया छोटे रोल में अपना असर छोड़ती है। पीयूष मिश्रा वकील के रूप में अमिताभ के सामने खड़े रहे और जोरदार मुकाबला किया। जरूरी नहीं है कि हर फिल्म मनोरंजन के लिए बनाई जाए। कुछ ऐसी फिल्में भी होती है जो अपनी शानदार स्क्रिप्ट और जोरदार अभिनय के कारण आपकी सोच को प्रभावित करती है। पिंक भी ऐसी ही फिल्म है, जरूर देखी जानी चाहिए। इस फिल्म को मैं 5 में से 4 स्टार देता हूँ।